आज इंडिया के हर जगह पे लॉकडाउन है और आपको बताया जा रहा है कि वर्क फ्रॉम होम, मतलब घर बैठे जितना हो सके बाहर का काम कीजिए। मतलब इंटरनेट के थ्रू आप अपने ऑफिस का काम, अपने बिजनेस का काम जितना हो सके कीजिए। ये काम करने के लिए आपको हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए होगा और इंटरनेट एक ही माध्यम है जिसके थ्रू आप जान पाएंगे कि बाहर क्या हो रहा है, अपने दोस्तों से, अपने परिवार से बात कर पाएंगे। इसके लिए आपको चाहिए हाई स्पीड इंटरनेट। कभी कभी आपको स्लो इंटरनेट भी मिल सकता है। इसके दो रीज़न हैं। पहला रीज़न जो ये है कि आपके जो ISP है, जो आपको इंटरनेट सप्लाई करता है, उसका बैंडविड्थ का यूज़ ज़्यादा होना, क्योंकि आज के डेट में इंडिया के सारे लोग अपने घर में हैं और वो अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में इंटरनेट कर रहे हैं। इसके चलते डेटा का ज़्यादा कंजेशन हो रहा है, इसीलिए आपको इंटरनेट कभी स्लो भी मिल सकता है। और दूसरा कारण जो है, आप जो ब्रॉडबैंड राउटर यूज़ कर रहे हैं, वो राउटर सही से नहीं काम कर रहा है। आज इंटरनेट इतना सस्ता हो गया है कि आप छोटा रिचार्ज करवा के भी हाई स्पीड इंटरनेट आपको मिल जाता है, मगर इंटरनेट चलाने के लिए आप जो वाईफाई राउटर यूज़ करते हैं, वो पुराने वाले सिंगल मोड वाले राउटर यूज़ करते हैं जिसमें 2.4 GHz रहता है। इस राउटर में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं जिसके कारण भी आपको इंटरनेट स्लो मिल सकता है। आज इस वीडियो में बताऊंगा कि ये पुराने वाले जो सिंगल मोड राउटर है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है जिसके कारण आपको स्लो इंटरनेट मिलता है, और ये भी बताऊंगा कि कौन सा राउटर यूज़ करने से आपका इंटरनेट सही से काम करेगा। इसे जानने के लिए मेरे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल में जो नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सिंगल मोड वाले राउटर में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। पहला चीज़ जो है, इसमें एक से ज़्यादा डिवाइस अगर कनेक्ट होते हैं तो इसका सिग्नल पुअर हो जाता है और डेटा ट्रांसफर रेट कम हो जाता है। मार्केट में अभी ड्यूल बैंड वाले राउटर अवेलेबल हो चुके हैं, जिसमें होता क्या है कि आपको ड्यूल मोड मिलता है 2.4 GHz और 5 GHz। आज के डेट में जितने भी नए मोबाइल आपको देखने को मिलेंगे, उसमें 5 GHz का चिप रहता है। अगर आपके पास ड्यूल मोड वाले राउटर हैं तो आप अपने मोबाइल के वाईफाई में चेक करेंगे तो आपको 2.4 GHz और 5 GHz के दोनों सिग्नल मिलेंगे। अगर आप 5 GHz को सिग्नल कनेक्ट करके यूज़ करेंगे तो आपको अच्छे से इंटरनेट का स्पीड मिलेगा, क्योंकि 5 GHz में डेटा ट्रांसफर रेट ज़्यादा है। इसीलिए अगर हो सके तो आपके जो पुराने वाले सिंगल मोड राउटर हैं उसको बदल दीजिए और ड्यूल बैंड वाले ड्यूल मोड के कोई भी राउटर आप खरीद सकते हैं। ये 1500 से 2000 के बीच में आपको मिल जाएगा। आज के डेट में चारों तरफ लॉकडाउन है और आपको ये ड्यूल बैंड वाला राउटर भी नहीं मिलेगा, मगर इस वीडियो में बताऊंगा कि आपके जो पुराने वाले राउटर हैं उसमें कुछ चेंज करके आप थोड़ा सा अपना जो इंटरनेट स्पीड है उसको ठीक कर सकते हैं। पहला चीज़ जो है, आप जो राउटर को रखते हैं, राउटर को कभी भी वॉल में माउंट करके मत रखिए। राउटर को कभी ऐसे जगह पर मत रखिए जहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रहते हैं। इन दोनों के कारण क्या होता है कि आपके जो वाईफाई का सिग्नल है वो पुअर हो जाता है। अगर आपको राउटर के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कुछ पता है तो राउटर के वायरलेस में जो फ्रीक्वेंसी होता है, जो चैनल होता है, उसको बीच बीच में चैनल को चेंज करते रहिए, उससे आपको सिग्नल थोड़ा बेटर मिलेगा। और एक चीज़ जो मेन है, राउटर को 3-4 घंटे यूज़ करने के बाद ज़रूर उसको 5 या 10 मिनट के लिए ऑफ करके रख दीजिए, क्योंकि उस राउटर में ज़्यादा डिवाइस कनेक्ट होने के कारण राउटर हैंग हो जाने के चांसेस रहते हैं। इसके कारण आपके इंटरनेट बहुत स्लो चलने लगता है, इसीलिए उसको थोड़ा रेस्ट दीजिए, उसके बाद उसको यूज़ कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।